अकाउंटिंग क्लास टाइप वन का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि देख लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूव दैट हमारे पास लिमिट गिवन है 0 से 2 पाई, फंक्शन गिवन है ई की पावर कॉस थीटा इंटू कॉस इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये किसके इक्वल आना चाहिए, पाई के इक्वल आना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको आई के इक्वल लेट कर लिया, लेट आई इज इक्वल टू ये फंक्शन रख दिया, ठीक है। अब हमें पता है ई की पावर आयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। हम कोस थीटा की जगह पे ये वाली चीज़ लिख सकते हैं साथ में रियल पार्ट लगा के, क्योंकि ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। क्या किया हमने, हमारे पास यहाँ पे ई की पावर कोस थीटा ऑलरेडी था, कोस थीटा इंटू साइन थीटा की जगह पे हमने क्या लगा दिया, ई की पावर साइन थीटा इसकी जगह पे, और साथ में हमने क्या लिख दिया, रियल पार्ट ऑफ कोस थीटा डी थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हमें पता है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा किसके इक्वल होता है, हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा, ये किसके इक्वल होता है, इसको जब ओपन करते हैं तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसके इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह पे ये वाली चीज लिख सकते हैं, ये एज इट आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब स्टेप वन को फॉलो करेंगे, टाइप वन के जो स्टेप्स थे 3 उनको हमने अप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूट कर दिया ए की पावर आयोटा थीटा को जी के इक्वल, और कोस थीटा किसके इक्वल है, 1/2 g + 1/g, और डी थीटा हमारे पास है डी जी ओवर आयोटा जी। ये हमारे पास रियल पार्ट एज इट आएगा। इंटीग्रेशन हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई, इसकी जगह पे हम सी लिख सकते हैं, सी का मतलब है यहाँ पे यूनिट सर्कल। ई की पावर जी फंक्शन एज इट आ जाएगा, ये ई है और ये ई की पावर योटा थीटा किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल होता है। तो हमने ई की पावर जी लिख दिया इंटू 1/2 g² प्लस कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी और डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब 2 और आयोटा कॉन्स्टेंट है, इनको हमने बाहर ले लिया, रिमेनिंग हमारे पास ये फंक्शन रह जाएगा, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 आर ई कंटोर इंटीग्रेशन एफ ऑफ जी डी जी। अब हमें पता है हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ जी क्या है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू g² + 1 इंटू ई की पावर जी ओवर जी का स्केयर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने पोल्स फाइंड करने हैं। द पोल जी इज इक्वल टू 0 लाइज इन साइड द यूनिट सर्कल, यानी कि जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको 0 के इक्वल रखा। तो यहाँ पे हमारे पास पोल आ गया 0, जिसका ऑर्डर क्या है, 2। स्टेप 2 देखा, स्टेप 2 में हमने क्या देखा, सब इसमें हमने फाइंड किया रेजिडियो, बल्कि हमारे पास ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम पोल फाइंड करते हैं और देन जो पोल्स इन साइड द यूनिट सर्कल लाई करते हैं उन पे हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने जेड इज इक्वल टू 0 पे इसका पोल चेक करना था और ऑर्डर क्या था, 2। तो लिमिट जी अप्रोचेस टू 0 डी ओवर डी जी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जी माइनस 0 का स्केयर g² + 1 ई की पावर जी ओवर जी स्केयर। हमें पता है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की फॉर्म में डेरिवेटिव आ जाएगा। जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, 0² + 1 1 ई की पावर 0 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आंसर हमारा 1 आ जाएगा। उसके बाद हम स्टेप 3 अप्लाई करेंगे यूजिंग कॉची रेसिडुअल थ्योरम। हमें पता है हमारे पास फंक्शन होता है इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू समेशन आर आई।
हमने जो रेसिड्यू फाइंड किया है वो क्या था, उसकी वैल्यू 1 आई है, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन हमने 1 यूज़ की है, यूजिंग इक्वेशन 1। वहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था, वहाँ पे हमने लिखा हुआ था 1/2 आयोटा इंटू f(g) dz। एफ ऑफ जी हमने फाइंड कर लिया है, वो 1 के इक्वल आया है, 1/2 आयोटा 7 आएगा, और ये हमारे पास फंक्शन, ये 2 आयोटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई। और हमें पता है ये हमारे पास रियल पार्ट ही है, तो ये यहाँ पे अब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।